चली गई। मैंने कहा मन पर तो जन्नती है,
बोलेगा चल, शायद वो लतीफा सुन के रखा हो, एक आदमी था कब्र में गया, फरिश्ते ने पूछा क्या नाम है इखलास, रसूल इखलास को उसने सुना कि कहा जन्नत, दूसरे से पूछा तेरा नाम क्या है, कहा नाम तो मेरा यासीन था लेकिन प्यार से लोग कौसर कौसर कहते थे, वो भी इन्हीं तीन आयतों के चक्कर में था। हम तो रमजान में भी ऐसी मस्ती ढूंढते हैं जो अच्छी सी नींद आती, जो चीज मतलब की मिली वही बाकी सारा छोड़ दिया। तो अच्छा है दावत तबलीग का मिशन चल रहा है, मदारिस है, खानका है, मकाकी है। हमारा रब हमसे मुसलमान उठा हुआ है,
निकलता है जिसने सारी जिंदगी कलमे के तकाजे के मुताबिक जिंदगी गुजारी, वरना लाख कोशिश करे मुंह से कलमा नहीं निकलता। अल्लाह था मैंने लिखा, एक आदमी मर रहा था, घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कहा जानता भी हूँ चाहता भी हूँ, लेकिन कोई चीज आती जुबान पकड़ लेती पढ़ नहीं सकता, पता चला ये सूद खाता था। आज हम समझ रहे हैं कलमा पढ़ लिया सब कुछ करेंगे काफी है हमारे लिए, अगर ईमान दावा है तो अमल इसकी दलील है, अगर ईमान अगर दरख्त है तो अमल इसके फल है। सूरह अनकबूत में कुरान में अल्लाह ने यही मज़मून बयान फरमाया, फरमाया अलिफ ला में आते हैं, दो रकात पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे अभी मस्जिद में बम फटने वाला।
कहा जितनों ने मुझे कांदा दिया था उन कांदा देने वाले ने एक
कसाई था, वो अल्लाह का बड़ा प्यारा बंदा था। अल्लाह ने कहा तू है तो शराबी, बड़ा बदकार गुनेगार, लेकिन तेरे कांदा देने वालों में से एक मेरा महबूब था, बंदा था, इसके सदके में मैंने तुझे माफ कर दिया। कौन सा अमल हम सब नफरत की निगाहों से देख, कोई शराब लेकर आ जाए तो कहते तो शराब, ये बहुत बात है कि कबीला गुना है। इसलिए हर हसीनो मौता को अपने मुर्गों की अच्छाइयां बयान करो, हम तो मुर्गों को भी नहीं छोड़ते। वो मर गया, इसकी किताब बंद हो गई, हमारी अभी खुली हुई है, क्या लिखा जा रहा है वो फरिश्ता देखते, उसका मामला सीधा हिसाब किताब के ऊपर। मुर्गों की अच्छाइयां, और हमारे मुआशरे में बीमारी है, हम पहले मगफिरत की दुआ करते फिर तमाचा मारते, क्या कहते अल्लाह इसको माफ कर दे कि था बड़ा बदमाश। हम इस तरह बोलते अल्लाह इसे माफ कर दे कि था बड़ा बदतरीन। जिंदगी है ना, उसे अपने किताब है, पहला पन्ना पहला है, आखिरी पन्ना मौत है, बीच में सब खाली जगह है, हमारी मर्जी जो चाहे लिखे। तो मुंशी अहमद अली जनाजा देखा, इनके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि चलो मंदा दे देता हूँ शायद बख्शिश हो जाए। तो जब मोहल्ले वालों ने देखा कि मुंशी साहब आए हुए, सारा लोग जानते हैं कि तो इलाके में बहुत बड़े पीर है, तो मुंशी साहब से कहा आप जनाजा पढ़ाओ, कहा मैं नहीं पढ़ा देंगे, इमाम साहब ही पढ़ा देंगे, वो कुरान से, एक कुरान से जो मोहब्बत करते थे जो लोग, इनका क्या हशर हुआ वो सुना। तो कहा मैं नहीं पढ़ाता, इमाम साहब पढ़ा देंगे। बाद में घर वालों, घर का एक आदमी चिट्ठी लेकर आया जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी औरत ने कहला भेजा कि मेरे खालिद ने वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी अहमद अली पढ़ाए। लोग बड़े खुश हुए, जीवित थे भागे, मुंशी साहब तो यही आए हो गए। फिर मुंशी साहब को वसीयतनामा बताया, कहा ठीक है चलो मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। जनाजा पढ़ाया, उस आदमी को कब्र में दफन किया, बाद में देवबंद में चले गए। जब ऊपर वाली जेब इन्होंने टटोली तो उनका मुलाजमत नौकरी का काल था वो नहीं था। इन्हें ख्याल हुआ जब मैं उस आदमी को कब्र में दफन कर रहा था तो मैंने जब बिटी डालते हुए जब मैं झुका होगा तो मेरी ऊपर वाली जेब से मुलाजमत का काल उसकी कब्र में चला गया होगा। तो वापस बस्ती में आए और मिन्नतें करने लगे कि भाई कब्र खोलो, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी मुलाजमत का काल अंदर चला गया है, मैं वो ले लूँ ताकि वहाँ जाके मेरी दुनिया संवर जाएगी। तो लोग कहने लगे भाई तो बड़े अल्लाह वाले हैं, चलो कब्र खोलते। जो ही कब्र खोली, अंदर का जो हाल देखा मुंशी अहमद अली ने, ये किस्सा जवाहिरात फारूकी में लिखा हुआ है। मुंशी अहमद अली की चीख निकल गई, वो दौड़े और बस्ती में आकर कहने लगे कि इसका घर कहाँ है। तो उसकी बेवा के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे बता तेरे खालिद का खास अमल कौन सा है। कहा क्यों, कहा मैंने अपनी आंखों से तेरे खालिद अभी दफन किए 2 घंटे नहीं हुए, मैंने तेरे खालिद की कब्र में गुलाब के फूल उगे हुए देखे। वो कहने लगे वो तो देहाती आदमी था, ऐसा कोई खास अमल था है, हाँ एक अमल था, कहा क्या, कुरान करीम से बड़ी मोहब्बत करता था, फजर की नमाज के लिए जब मस्जिद में आता लोगों को पहली सफ में कुरान पढ़ते देखता इसकी रूह पर कछुए लगते थे, काश ये दौलत मेरे दामन में होती तो मुझे भी अनवारात हासिल होते। वो घर आता आंखें नम होती और पतन बोझल होते और अपने कप कपाते हाथों से कुरान करीम का नुस्खा उठाता, अदब से खोलता, उंगली घुमाता और जुबान से एक ही बात कहता, मालिक मैं नहीं जानता अंदर क्या लिखा है लेकिन मेरा ईमान है जो लिखा है सच लिखा है, ऊपर से नीचे तक ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। और अपनी नम गीली आंखों से अपने कुरान करीम को चूमता, सीने से लगाता और फिर वो आराम करता। तो उसकी बेवा कहने लगी बस इसका एक ही यही अमल मेरी नजर में, शायद इसी वजह से इसकी कब्र में गुलाब के फूल हो गए होंगे। मुसलमानों अंदाजा लगाओ कुरान से सिर्फ मोहब्बत की वजह से आप जिसकी कब्र में गुलाब के फूल उगे हुए, अगर हम कुरान से दोस्ती करेंगे, तिलावत करेंगे, कुरान के हुफाज से अगर हम दोस्ती करेंगे, उनको सीने से लगाएंगे, क्या अल्लाह ताला हमारी बख्शिश नहीं फरमाएगा, हमारे बंदे के याद क्या अल्लाह ताला हमारे कब्र के मसाइल को आसान नहीं फरमाएगा। कब्र किसने देखी, वो तो मरने के बाद ही पता चलता है अंदर क्या होता है। अब दुनिया का मास्टर जब इम्तिहान लेता है ना तो सवाल करता है, जवाब नहीं बनता, अगर जवाब गलत हो तो फेल हो जाता है बंदा। अल्लाह ताला का कर्म देखो, अल्लाह ने कब्र का सवाल भी बताया, जवाब भी बता दिए। हम सब जानते हैं फरिश्ते पूछेंगे मर रहा तू तेरा रब कौन है, हम सब जानते हैं अल्लाह कहना है, महावीर कहा गए इस्लाम, नबी कौन है कहा मोहम्मद, लेकिन मुसलमानों हमने किताबों में पढ़ा है, जुबान उसी की खुलेगी अल्लाह कहते वक्त जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरेगी, वरना लाख कोशिश करो जुबान नहीं खुलेगी। जुबान उसी की खुलेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने अल्लाह के नबी की सुन्नतों को गले से लगाया होगा, अगर सुन्नतों को पायमाल किया उसकी जुबान मोहम्मद कहते नहीं खुलेगी। इसलिए फरमाया ला युमिनु अहदु
कमर दबा मिला। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया सिंदूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। अब इसी के तो उम्मत ही है, अमीनी की तो उम्मत है ना। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व الناس اجمعين। जब तक मेरे आपके दिल में हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे कायनात से महबूब ना हो जाए, हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता। एक नौजवान नजरे आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा हमारे नबी के सीने में जाके चलता है। एक औरत जब घुंघरू बांध के नाचती है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा हमारे नबी के सीने में जाके चलता है। एक ताजिर जब नाप तोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा हमारे नबी के सीने में जाके छूटता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी हमारे नबी के सीने में जाके चलती है। एक भाई जब अपनी बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेता है, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा हमारे नबी के सीने में जाके चलता है। हाथों पे सुलन जुबान के गाली, जहनों में बदमाशी, दीनों में फसाद, पेट में लुकमे हराम के, पांव गलत सिंह चल रहे, सारा वजूद गुनाहों में नाफरमानी में खड़ा हुआ है, हम कौन से आशिक रसूल है ये शक्ल लेकर जाएंगे। लिबास हमारा खिलाफ, शक्ल हमारे खिलाफ, कल से जिंदगी उठना बैठना सारा नबी के तरीकों के खिलाफ। हमारे अंदर तो नबी वाला अखलाक भी ना रहा। अभी परसों एक वीडियो आई थी, मस्जिद में से कोई नल चुरा ले गया, नल खोल के अंदर घुसा के ले जा रहा है। हमारी मस्जिद की लैट्रिन के लोटे वो भी महफूज नहीं, वो भी आंकड़ों से बांध के रखने पड़ते। कितने लैट्रिन होते जो चुपते रहते, वो भी आगे आगे से काट के रखते, जितना लोग उठा के ले जाते। गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर ग्लास रखते हैं, उन्हें आंकड़ों से बांध के रखते हैं, खुले होंगे तो वो उठा के ले जाएंगे। हमारे नबी का अखलाक कैसे? एक आदमी था, उसका बच्चा गुम हो गया, वो अल्लाह के नबी के पास आया, आप दुआ करो मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। अबल इसके क्या भाग उठाते, दूसरे कोने से एक और आदमी उठा, अभी बाप के पास से आ रहा था, चंद बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों के बीच में इसका बच्चा भी खेला, मैंने देखा है। तो जूने सुनाना वो और लगाई, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि बाप वापस बुलाओ, उसको वापस बुलाया गया। भाई बहुत जल्दी, आप जानते बाप के जज्बात क्या होते, दुखों की मारी हुई ममता भी बेकरार है, खुद अपने बच्चे को देखकर दुखी आंखों को तस्कीन देना चाहता हूँ और माँ की ममता को भी करार दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा, रोकता नहीं, लेकिन एक नसीहत पर अमल करना। कहा क्या? जब तू अपने बच्चे को चंद बच्चों के बीच में खेलता हुआ देख ले, अपने बच्चे को बेटा ना कहना। मुझे बेवा के सामने बीवी को प्यार न करो, गरीब के सामने माल की नुमाइश न करो, यतीम के सामने बच्चे को बेटा न करो। ये तो हमारे नबी की तालीम है, हमारे तो भाई भाई से नहीं बनती, चाचा भतीजे की नहीं बनती। कितने भतीजे तो जाके जनाजों में नहीं आते, नहीं हमारे पड़ोसों से हमारे तो ना इत्तेफाकी है। एक बारिश जमीन के टुकड़े में गर्दनें कट जाती है, कौन दुनिया से क्या ले जाता है? हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो देखते बड़े बड़े प्रॉपर्टी जायदाद वाले, कितनों के तो दस्तावेज उनको नहीं मालूम होता कि मेरे दस्तावेज कहाँ रखे हुए, इतनी करोड़ों अब्बलों प्रतिमा, कितना माल था। अरे हमने अपने आंखों से देखा है, कोरोना में सरकार ने जो बढ़ाया उसी के दफन 15 आदमी जनाजे में नहीं आ सके, खत्म हो गई जिंदगी 60 बरस 70 बरस, और कयामत का एक दिन कुरान उठाओ 50,000 साल का एक दिन होगा, किसी के जिस्म पर लिबास भी नहीं होगा। मिश्कात में अम्मी आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी से, सारे नंगे हो गए, एक दूसरे से शर्म नहीं आएगी, हालांकि ऐसे खतरनाक होंगे कोई दूसरे को देखेगा भी नहीं। हम तो सारे जिंदगी के शर्मे में गुजर रहे, इतने नौजवान आधी रात तक फेसबुक पर बैठे रहते हैं। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, वो मुतिहल किताब फतवल मुझे
कमरे में बड़ा पुत्र था, उस पर काली चादर डाल दी, कहा आ जा तुम खुदा से भी छुप गए। यीशु अलैहि सलाम ने मुस्कुराए, कहा तो तेरे झूठे खुदा से छुप सकती, मेरा खुदा तो सातवीं कोठरी के अंधेरे में भी देखता है। तो लगा ना यीशु का काम था ताले तोड़वाना, मेरा रब का काम था। अल्लाह के नबी ने सहाबी से कहा कि जब तू अपने बच्चे को चंद बच्चों के बीच में खेलता हुआ देख ले, अपने बच्चे को बेटा ना कहना। क्यों? हो सकता है उन चंद बच्चों में कोई यतीम भी होगा, उसका कलेज अच्छी देगा, काश आज मेरा बाप जिंदा होगा, मुझे भी बेटा कहता। ईद का दिन था, एक बच्चा रो रहा है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों बेटा रो रहा है? कहा चंद हफ्ते पहले मेरी माँ फौत हो गई, फुला गजबे में मेरा बाप भी शहीद हो गया, इस भरी कायनात में मेरा कोई भी नहीं। आपने उसको अपनी आगोश रहमत में समेटा और कहा चल जिसका कोई नहीं उसका मैं हिफाजत, मैं कफील हूँ, मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। रख ले गए। अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया हसनैन का खूबसूरत जोड़ा मंगवाओ, इसे पहनाओ, इसे नहलाओ, खिलाओ। जब इसकी मांग सच गई, मजीद एहसास महरूमी को दूर करते हुए अल्लाह के नबी ने उस बच्चे से पूछा बेटा अमा तरजा अन्न मुहम्मदन अबुका व आयशा उम्मुका तशरीफ फरमा हुए, उस बच्चे को यहाँ बिठाया। जब ईदगाह की तरफ जा रहे चौक पर चंद बच्चे खड़े हैं, एक बच्चे ने जब ये मंजर देखा जिसका तो बाप था, मंजर देखा उसने ठंडी सांस भरी और मीठे लहजे में कहने लगा काश आज मैं भी यतीम होता, बाप का कंधा ना मिलता, नबी का कंधा तो मिल जाता। हमारे यहाँ तो कितने मुसलमान आपदार ऐसे मिलेंगे, ईद के दिन गोल्डन केक का एक टुकड़ा कुत्ते के सामने डालते हैं, दूसरा टुकड़ा अपने बच्चे के मुंह में डालते, दूसरी तरफ बेवा का गरीब बच्चा स्टेशन पर आलू छोले बेचता है। बकरे का मौसम आएगा ना, देखो कितनों के घरों में दो घर में दाल पत्ती, बारह बारह तेरह तेरह जानवर वाले सारा फ्रीजों में रख जाते हैं। ये कैसी कुर्बानी? कहते हैं मेरे अब्बू के नाम, मोहम्मद के नाम, मिलाद अब्शी के नाम। अरे नाम से क्या होता है, गरीबों को तो खिलाओ, नाम तो कोई भी ले सकता, सिर्फ नाम लेते हैं, खून तो नालियों में बह जाता है, चमड़े मदरसे में दे जाते हैं और सारा गोश्त फ्रीजों में कैद हो जाता है। ये तो अच्छा है कि वाजिब नहीं है किस्सा गरीबों पर देना, गुस्सा है वाजिब होता तो कितना का ईमान बर्बाद हो जाता। पड़ोसी भूखा सो जाए, अरे 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। यहाँ तक बतलाया कि गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाया को परेशान ना करो, अगर हो सके तो थोड़ा पानी ज्यादा डाल के एक कटोरी गरीब हमसाया के घर भेजो। अगर ये जज्बा नहीं है तो ऐसे वक्त में छान मगाओ जहाँ गरीब बच्चे सो चुके हो। अगर इन्होंने अपने माँ बाप से मुतारा अदा किया और ये लोग इनकी जिद पूरी ना कर सके, बताओ दुखों का मुदावा इलाज किसके पास है? सारी नबी की तारीफ, कुरान की तारीफ, आज हमने पास से कुछ डाल दी, दीन हमसे क्या मुतालबा करता है, ये सीखो मुसलमान। कोई मानता है कोई गरीब है, ये अपना मुकद्दर लेके दुनिया में आता है, मेरा आपका ईमान है, मैं और आप माँ के पेट में 120 दिन के दर्जा ने मेरा मुकद्दर बना दिया। लाख कोशिश करो ना अपना मुकद्दर बदल सकते हैं ना किसी का बिगाड़ सकते। अल्लाह इसी से तो आजमाता है, सारे मानदार होते तो सबर का इम्तिहान किससे देते, सारे गरीब होते तो शुक्र का इम्तिहान किससे देते। अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को मानदार बनाया, गरीब को हुक्म दिया सबर कर, मानदार को हुक्म दिया शुक्र कर। और अल्लाह गजाली ने लिखा है सबर और शुक्र, अगर ये दोनों सवारियां होती तो अपने बच्चे
बहू को हम ले गया, मुझे बच्चा मिलेगा। अब्बा जान कितना खुश होता है, अम्मी जान को आस लग जाती है। प्यार से कहता कहूँ की मुझे अम्मा कहेगा। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेगी, सारे हमल गिर जाएंगे। शहर के लोग जंगल की तरफ भागेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ भागेंगे। इधर शमसो को फिरत सूरज पे नूर होके धड़क से जमीन पर गिरेगा, वही धन सितारे बेनूर होके धड़क से जमीन पर गिरेंगे। हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दे। माफ़ शिल्लाह वाला, अल्हम्दुलिल्लाह।